हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हमारे वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन में। तो सोशलाइजर की बिगनिंग से ही हमने आपको ये प्रॉमिस किया है कि हम वर्ल्ड अफेयर्स और जो सोशल साइंस है या सोशल स्टडीज़ है उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लेकर रखेंगे। और आज उसी में कदम बढ़ाते हुए हम वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और एकदम रीसेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, और ये टॉपिक है वेनेजुएला और यूएसए के रिलेशंस के बारे में। तो दोस्तों, अभी क्या हुआ कि वेनेजुएला ने कहा कि यूएसए जो है वो उसने प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है वहाँ के प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मारने की, और उसने अपने ट्रूप्स भी भेजे मारने के लिए और उसी के स्पाइस थे जो आए थे वेनेजुएला में मारने के लिए उनके प्रेसिडेंट को। तो ये सब क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे और एंड में आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या ये सही है या गलत और इंटरनेशनल मीडिया इस पर कैसा रिएक्शन दे रहा है। बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा इंसिडेंट है क्या। तो देखिए, अभी क्या होता है कि दो तीन दिन पहले, यानी कि अप्रैल 30th और मई 1-2 की बात है कि वेनेजुएला गवर्नमेंट जो होती है वो अचानक से सामने आती है और वो कहती है कि हमने आज करीब 8 लोगों को मारा है हमारी राजधानी कैराकस में, और ये लोग प्लानिंग करके आए थे हमारे प्रेसिडेंट को मारने की। ये वेनेजुएलन गवर्नमेंट तुरंत बोलती है, और इसको जैसे ही उसका ये स्टेटमेंट आता है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में हाहाकार मच जाता है। और एक तरफ रहती है न्यूयॉर्क टाइम्स और उसकी कम्युनिटी जो कहती है कि ये झूठ है, फालतू का बवाल है, वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएलन गवर्नमेंट और उसकी जो मीडिया रहती है वो ये कह रही है कि ये पूरी तरह से सही है, 8 लोग मारे गए हैं और ये पूरी तरह से एक प्लान्ड अटैक था उनके प्रेसिडेंट के ऊपर, पूरी स्पाई की गई थी और वो लोग उनकी स्पाइंग किए थे प्रेसिडेंट की और उनको मारने के लिए आए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने तुरंत इसको डिक्लाइन कर दिया और उसने बोला कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ फाइटिंग इन कैराकस। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है। अब देखिए, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो क्रेडिबिलिटी की अगर बात की जाए तो अभी ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि क्या ये सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कम्युनिटी है और कनेक्टेड रहना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो जैसे ही मैं को मुझे पता चलता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन जानना ये ज़रूरी नहीं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जानना ज़रूरी ये है कि अब कौन से रिलेशंस बनते बिगड़ते नज़र आ रहे हैं वेनेजुएला और यूएसए के बीच में, इसके बाद क्या क्या इसके आउटकम्स होंगे इसको देखना ज़रूरी है। तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि लोग अटैक करने के लिए गए हों, क्योंकि कोई भी सरकारें पकड़ती हैं तो उनके पास क्लू भी है अच्छे तरीके से, उनके पास उन्होंने कुछ दिया भी है और नाम भी बताए हैं उन लोगों को पकड़ते हुए बताया है, वो सब क्या है हम सब आपको बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि अभी ये हुआ क्या है यहाँ पर। तो जैसा कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि कैराकस में एक फाइटिंग होती है और ये कहा जा रहा है वेनेजुएला गवर्नमेंट द्वारा कि वहाँ पर जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ पर उन्होंने 8 लोगों को मार दिया, जो निकोलस मैदुरो हैं यानी कि वेनेजुएला के जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनको मारने की एक पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, उसके लिए वो लोग आए थे और उनको मार दिया गया। तो देखिए, निकोलस मैदुरो ही खुद से वो आते हैं न्यूज़ चैनल पे और वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ यूएस पासपोर्ट को होल्ड करने वाले लोगों को पकड़ा है, और ये लोग हैं, एक का नाम उन्होंने बताया एरन बैरी 41 साल के जो हैं, और दूसरे का नाम बताया उन्होंने ल्यूक डेनमैन जो 34 साल के हैं। इन्होंने इसके जो मैदुरो थे उन्होंने इन दोनों के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये लोग हमारी कस्टडी में हैं। और ये लोग एक व्यक्ति थे जो अमेरिकन मिलिट्री वेटरन है और इसके अलावा एक फ्लोरिडा बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी में काम भी करते हैं और उनका नाम है जॉर्डन गेदुरो, उनके अंडर ये लोग काम करते हैं जिनको पकड़ा गया है। और ये तीनों लोग पूरी कंपनी बनाकर अटैक करने आए थे और इनकी पूरी कोशिश थी कि ये मैदुरो को उनके जो पब्लिक मीटिंग में या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस कम हो या सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा ना हो वहाँ पर उनको मारा जा सके। अब इसके रिस्पांस में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, जब मंडे को मैदुरो आके बोले कि उनको मारने की तैयारी में कुछ लोग आए थे, तो उसके एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं और वो कहते हैं कि यूएसए का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, यूएसए कोई भी और यूएसए की गवर्नमेंट कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन वेनेजुएला में चलाने की कोशिश नहीं कर रही है, और किसी भी तरह जो मशनरीज हैं जो अटैक करने आए थे वो उनसे रिलेटेड नहीं है और यूएसए का नाम लगाना इसमें बिल्कुल गलत है। तो ये यूएसए का उसमें रिस्पांस था, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी बोले
तो अब यहाँ ये सब है हमारा रीसेंट चेंजेस जो हमारे हुए हैं करंट अफेयर्स, अब ये जानना जरूरी है। और बिल्कुल अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि वेनेजुएला यूएसए पे ही क्यों इतना दांव खेल रहा है और उसको इतना क्यों कल्प्रिट दिखाने का या विलन दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है और उस इतिहास को हम छोटा करके आपको बताते हैं। तो देखिए इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। तो देखिए 2019 से यूनाइटेड स्टेट्स और डजन्स ऑफ अदर कंट्री ने वहाँ के यानी कि वेनेजुएला के जो अपोजिशन लीडर हैं जिनका नाम जुआन गैडो है उनको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया है और उन्हीं को एज अ मेजर लीडर माना है इस कंट्री का। और यूएसए और बड़ी बड़ी कंट्रीज का ये मानना है कि ये जो मेदुरो हैं इन्होंने इलेक्शन के दौरान गलत टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया और वोट को मैनिपुलेशन किया, लोगों का मैनिपुलेशन किया और वोट की आउटसोर्सिंग करवाई, मतलब कि वोट जो थे वो उनको मिले नहीं थे बल्कि उन्होंने कास्ट खुद से करवाए थे या कुछ टेक्निकल एरर्स लाकर उन्होंने वोटिंग करा के अपने पावर में लाने की उन्होंने अपने को कोशिश की। लेकिन जो मेदुरो हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है रशिया का, क्यूबा का और चाइना का। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ है गैडो का ग्रुप जिसको यूएसए और अदर कंट्रीज सपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रशिया, क्यूबा, चाइना मिलकर मेदुरो को सपोर्ट कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो साफ साफ दो बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड की, कह सकते हैं यूएसए और रशिया और एक तरह से चाइना, ये दोनों पावर्स एक दूसरे से लड़ने के लिए वेनेजुएला में भी अपनी टैक्टिक्स को खेल रही हैं। वहां पर भी उनके दो मोहरे काम कर रहे हैं और इसका एक मोहरा के खिलाफ जो यूएसए है इसने बहुत दिनों से ये सैंक्शंस लगाता भी आ रहा है। देखिए यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं वेनेजुएला के ऊपर और बहुत सारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की चीज़ें वहां पर मना है वेनेजुएला से। तो यहाँ पर जब मेदुरो की सरकार बन चुकी है तो यूएसए, मेदुरो जो है वो स्ट्रांगली यूएसए को अपोज करते हैं उसकी हर एक बात पे। और जब ये अटैक हुआ तो वेनेजुएला, अगर मान लीजिए अटैक हुआ है तो इसका मतलब अटैक, अगर मान ली दो चीज़ हो सकती है प्रोबेबिलिटी, या तो अटैक हुआ हो और या तो वेनेजुएला की सरकार झूठ बोल रही हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी ऐसा पागल इंसान नहीं होगा कि ऊपर आके बोले कि हम पे अटैक किया जा रहा है, फालतू का कोई भी कॉन्स्पिरेसी में आना नहीं चाहेगा जब पहले से ही सैंक्शन लगा हुआ है। तो अगर अटैक हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली यूएसए इस पर करा सकता है और वेनेजुएला इसलिए टारगेट कर रहा है, और ना भी कराए तो वेनेजुएला तो बिल्कुल इस पर बोलेगा ही। इतने लोग खड़े हों और अगर आपको दुश्मन सामने दिख रहा हो जो सालों से आपका दुश्मन रहा हो तो ऑफकोर्स आपको दुश्मन ही दुश्मन दिखेगा वहां पर भी, चाहे वो सही काम करा हो या गलत काम किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको वही दुश्मन जो आपका पुराना दुश्मन है वही आपको मेजर दुश्मन दिखता है। तो ये सीधी सी बात है और यही यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होगा कि नेक्स्ट कमिंग डेज में वेनेजुएला सरकार और कौन कौन से प्रूफ ला के देती है और यूएसए इसको कैसे कंडेम करता है। वैसे आपको बताएं तो वेनेजुएला सरकार ने एक वीडियो टेप भी जारी किया था जिसमें जो मेजर जो उनके जो वेटरन है जिसका नाम बताया गया है गैडुरो, वो अपने कुछ टीचिंग्स दे रहे हैं जिसमें कुछ बड़े कुछ करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये वीडियो टेप लाया गया था, इसका भी क्लियर नहीं है कि वीडियो टेप सही है गलत, डॉक्टर हो सकता है, तो ये भी वेनेजुएला सरकार दे चुकी है। सो ये थी ऑसम इन्फॉर्मेशन अबाउट वेनेजुएला वर्सेस यूएसए जो इस समय चल रहा है करंट में, बहुत ही करंट टॉपिक है, अभी दो ही दिन का इससे पुराने टॉपिक है। तो प्लीज़ इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और क्या आपके लिए कर सकते हैं वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड। और भी कोई न्यूज़ हो तो हमें शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से वीडियोज़ हम आपके लिए बताएं। और जब तक हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए।